अब देखिए मानव विकास के बारे में, अपने मानव विकास की अवधारणा पढ़ी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, और अब देखिए थोड़ा सा मानव विकास है क्या। कि मानव विकास देखें तो स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर, यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं, जो भौतिक पर्यावरण है उसके चारों ओर का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें और राजनीतिक स्वतंत्रता तक देखें, तो सभी प्रकार के जो मानव विकल्प हैं उनको सम्मिलित करते लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में क्या वृद्धि करने की प्रक्रिया है, यानी मानव विकास है क्या। दोबारा देखिए कि मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण यानी उसके चारों ओर का जो भी भौतिक पर्यावरण है, आवरण है, उससे लेकर आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्प यानी मानव के विकास करने के सारे उनके सामने क्या हो, अवसरों, विकल्पों और लोगों के विकल्पों में विस्तार करना, उनको शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं तथा सशक्तिकरण यानी उनको आगे बढ़ने के जो अवसर है उनमें क्या वृद्धि करने की प्रक्रिया है। तो ये मानव विकास है, यानी मानव विकास को अपन कहेंगे क्या, कि मानव विकास स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, भौतिक पर्यावरण से लेकर, यानी भौतिक पर्यावरण उनके चारों ओर का जो पर्यावरण है जहाँ मानव रहता है, उसमें आर्थिक ढंग से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, उसकी क्या हो, स्वतंत्रता हो, और सभी प्रकार के मानव विकल्प यानी सभी प्रकार के मानव के सामने जो अवसर हैं, विकल्प हैं, वो उसमें शामिल करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार किया, जिन लोगों को क्या मिले, अवसर मिले और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सेवाएं हैं तथा सशक्तिकरण यानी ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास करें, उनके जो अवसर हैं उनमें क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव विकास कहलाती है। 2013 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 186 देशों में उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश निम्नलिखित हैं। देखो किताब में देखें तो मानव विकास सूचकांक मूल्य दे रखा है 2013 के अनुसार, बहुत सारे देश दे रखे हैं, सभी का आपको नहीं तो मानव विकास सूचकांक मूल्य याद करना है कि कौन से उच्च मानव विकास सूचकांक में आते हैं, कौन से मध्यम में आते हैं, कौन से निम्न में आते हैं। केवल उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देखने दो देशों के नाम, और दो देशों के नाम निम्न मानव विकास सूचकांक में आते हैं उनके याद करने, और एक भारत का स्थान देखना है कि भारत का 2013 में मानव विकास सूचकांक का जो रिपोर्ट किताब में दर्ज किया प्रतिवेदन उसमें कौन सा स्थान है। 2013 की देखें तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों में उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में देखें तो एक नंबर पे नॉर्वे है 0.955, दो पे ऑस्ट्रेलिया है 0.938, ये दो देश याद करने, यानी सबसे ऊपर नॉर्वे और दो नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। फिर 2013 की मानव विकास रिपोर्ट जो UNDP द्वारा जारी की गई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, उसमें निम्न मानव सूचकांक वाले देश यानी सबसे नीचे चाड 0.340 और नाइजर अफ्रीका के 0.304, यानी ये ऐसे मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक क्या है, बहुत ही न्यून या निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। यानी 2013 में देखें तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में एक नंबर पे कौन सा है, नॉर्वे 0.955, दो पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया 0.938, और 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देखें तो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से, एक नंबर पे चार 0.340 और नीचे से दो नंबर पे, या नीचे से निम्न है दोनों देश, नाइजर 0.304। तो सभी देश जो किताब में दे रखे हैं आपको याद नहीं करने, केवल उच्च मानव विकास सूचकांक वाले दो देशों के नाम और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों के नाम, ये परीक्षा में कई बार पूछते हैं प्रश्न में, एक नंबर का कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से, नाम लिखिए, या फिर मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन से, ये प्रश्न पिछली बार पूछा एक नंबर का कि 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का कौन सा था, 138वां स्थान है। ये किताब के आंकड़े 2013 के जो अपने किताब में दे रखे कि 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा था, 138वां स्थान था। यानी प्रश्न आया था कि 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार
186 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 138वां स्थान है। फिर नोट लगाएंगे, मैंने लिखा है 2018 के में आंकड़े हैं, उनके अनुसार देखें तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 188 देशों की सूची इनके द्वारा जारी की गई, पर उसमें भारत का कौन सा स्थान अभी 130वां स्थान है। तो अभी किताब वाले देखने, एक लाइन ये भी देख लेना, 2018 के आंकड़े हैं अपने पास कि 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 188 देशों की सूची में देखें तो भारत का स्थान कौन सा 130वां स्थान है। उसके बाद देखें, भारत में सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है केरल, यानी ये देखें तो भारत में सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। देखिए फिर केरल में उच्च मानव विकास सूचकांक होने के कारण क्या है? कई बार प्रश्न आता है केरल में उच्च मानव विकास सूचकांक क्यों पाया जाता है, तो एक तो साक्षरता दर उच्च पाई जाती है केरल में, सर्वाधिक है भारत में, और प्रति व्यक्ति आय भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो इसके कारण देखिए केरल का मानव विकास सूचकांक क्या पाया जाता है, उच्च या अधिक पाया जाता है। भारत में सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला क्या ये राज्य है। तो ये था मानव विकास। एक बार दोबारा देखिए, मानव विकास है क्या, कि मानव विकास स्वास्थ्य भौतिक पर्यावरण से लेकर, यानी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है भौतिक पर्यावरण, उसके चारों ओर का जो भी पर्यावरण है, उसमें आर्थिक ढंग से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक स्वतंत्रता तक, सभी प्रकार के विकल्प विकल्प अवसर हो मानव के सामने, और उनको सम्मिलित करते हैं लोगों के विकल्पों में, उनके जो अवसर आगे बढ़े उनमें विस्तार किया जाए, शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छी सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी उपलब्धता हो, तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि करने की प्रक्रिया। सशक्तिकरण होता है ऊपर उठाने, यानी अवसर बढ़ाना उनके लिए आगे 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 बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार की वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, मानव विकास कहलाती है। यानी स्वास्थ्य भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक, सभी प्रकार के जो मानव विकल्प अवसर हैं आगे बढ़ने के, उनको सम्मिलित करते लोगों के विकल्पों में विस्तार किया जाए, यानी लोगों के सामने अवसर बहुत अधिक हो, उनको शिक्षा मिले अच्छी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले, और सशक्तिकरण यानी ऊपर उठाने के उनके अवसर उनमें क्या की जाए, वृद्धि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव विकास कहलाती है। फिर अलग से लिखा है, ध्यान में रखना है, 2013 की मानव विकास रिपोर्ट जो किताब में दे रखी है, सभी देशों के नाम नहीं देखने, सूची दे रखी है किताब में, आपको याद नहीं करनी है। सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला नॉर्वे 0.955, क्योंकि बताया था ना कि मानव विकास सूचकांक अपन ने पढ़ा था 0 से 1 के बीच क्या देते हैं, इनको अंक देते हैं, नॉर्वे का एक नंबर है 0.955, दो नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 0.938। फिर 2013 के अनुसार देखें तो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, चाड 0.340 और नाइजर 0.304। तो ये दो देश सर्वोच्च और दो देश निम्न वाले याद करने। फिर 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों की सूची में देखें तो भारत का स्थान कौन सा 138वां स्थान है, ये प्रश्न पूछा गया एक नंबर का। फिर नोट लगाए, लिखा है 2018 के अनुसार देखें तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 188 देशों की सूची में देखें तो भारत का स्थान कौन सा 130वां स्थान है। 2018 की जो मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े हैं उसमें देखें तो 188 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा 130वां स्थान। फिर भारत में देखें सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, केरल है, और केरल में देखें तो उच्च मानव विकास सूचकांक होने के कारण देखें कि साक्षरता दर क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है, और प्रति व्यक्ति आय देखें वो भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो एक नंबर का कई बार प्रश्न आता है कि केरल में उच्च मानव विकास सूचकांक होने के कारण कौन से, तो साक्षरता दर उच्च पाई जाती है और प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है। तो इसी के साथ अपना ये पांचवा पाठ पूरा होता है, मानव प्रवास और मानव विकास। तो एक तो प्रवास के परिणाम याद करने, उत्प्रवास के आप्रवास किसे कहते हैं याद करना है, अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, अंतर्देशीय क्या होता है ये भी देखना है, उसके बाद प्रवास के परिणाम याद करने, या फिर मानव विकास में से एक नंबर का प्रश्न आता है कि मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था, कब किया था, मानव विकास है क्या, मानव विकास सूचकांक के आंकड़े प्रतिवर्ष कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है जो 1990 से अपन ने पढ़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक है क्या, तो उसकी परिभाषा देखनी, या फिर 2013 में भारत का कौन सा स्थान 138वां, और 2018 में भी अपन लिखा है कौन सा स्थान है 188 में 130वां स्थान है,
और भारत में देखें तो सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और इसके कारण देखने कि प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है और साक्षरता दर भी क्या पाई जाती है? उच्च पाई जाती है। तो ये अपना क्या है, पांचवा पाठ पूरा होता है, मानव विकास प्रवास एवं मानव विकास। कल अपन छठा पाठ शुरू करेंगे।